हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट दी जिंकी नाथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका ज़रूर दीजिए। तथा अस्तु। तो गाइज मैं कुछ दिनों से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो आज भी वर्कआउट करूँगा और वर्कआउट आज मैं लोकल एरिया में नहीं करूँगा। यहाँ से 4-5 किलोमीटर होगा डिस्टेंस जो नूनमाटी पड़ता है। नूनमाटी व्यू फील्ड में हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे बेली व्यू जो मॉर्निंग टाइम है। मॉर्निंग टाइम में कैसा लगता है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जाके। और एक बात, मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले ही मैं एक आपको अनबॉक्सिंग भी कराऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए एंड तक देखिए, लास्ट में मैं वो अनबॉक्सिंग करूंगा। बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी चीज़ मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते, तो चलिए। वर्कआउट वाला हिस्सा जो है मैंने काट दिया है, तो अभी हम जाएंगे डायरेक्ट बेली व्यू। चलिए। ये जगह जो है ये सुनसाली पिकनिक प्लेस है। बहुत सारे पिकनिक करने के लिए आदमी लोग आते रहते हैं इस जगह में। पहले तो गर्मी का मौसम में बंद रहता है, ऐसे ही ठंडा का सीज़न में जो पिकनिक का सीज़न है उस सीज़न में खोल देता है जगह। और साइड में आपका BSF कैंप भी है और ये एक्चुअली रिफाइनरी के अंदर है, तो इसीलिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन भी है। आगे एक चेक गेट भी है जो कि मैं शायद आपको वीडियो करके नहीं दिखा पाऊँगा। मैं थोड़ा इस जगह में रुकाया हूँ आपको और दिखाऊंगा कि यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र कैसा लगता है देखने में। तो चलिए देख लीजिए आप। रिसा जो दी जा बोई लगी बो तुमालू कर घर लो। अभी ऑलमोस्ट उस जगह पहुँच गया, बेली व्यू पहुँचने वाले हैं, तो चलिए देख लीजिए आप लोग कैसे दिखता है। लो जी, बेली व्यू पहुंच गया। और ये जो प्लेस है ये आपका शाम का टाइम में टहलने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, और मॉर्निंग वॉक के लिए भी आप आ सकते हैं, मगर शाम का टाइम में शायद यहाँ पे एक्चुअली CM रहता है अभी, तो इसीलिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बैठने नहीं देता है। और जो एक होटल भी है बेली व्यू, एक्चुअली होटल का नाम है, जगह का नाम नहीं है। आगे जाके देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए, थोड़ा भूख लग रहा है, कुछ खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं वर्कआउट करके। तो मैं आपको पहले बोला था कि मैं आपको एक छोटा सा चीज़ अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, बहुत प्यारी चीज़ है, तो चलिए मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूं। नहीं है यही चीज़ है, यही वो चीज़ है जो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए क्या है इसमें देखते हैं। पहले तो ये कवर निकालेंगे बैग से। चलिए, अह
आपको शायद अंदाजा लग गया होगा ये क्या चीज है। सही फरमाया आपने, ये क्या है। तो चलिए इसको खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं और यहाँ से जो चीज निकलेगा वो है, यस, कैसा लगा ये। तो इसको थोड़ा आजमा के भी देखेंगे हम लोग कैसा होता है ये। एक्चुअली मैं किस लिए लिया हूँ मैं आपको बोल देता हूँ, ये मुझे जब मैं बाहर जाता हूँ कभी जंगल में जाता हूँ तो चाकू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको पहले भी बोला था कि मेरे पास कोई ऐसा कुछ सामान नहीं है कि मैं किसी से बच सकूँ या फिर कुछ ज़रूरत पड़ने में सामान को काट के मैं यूज़ कर सकूँ, और सिर्फ मेरे पास चाबी रहता है और बाकी कुछ नहीं। मगर इस बार जाने से मैं ये मेरे साथ रहेगा हमेशा। तो ये लगाने में भी बहुत ईजी है, ऐसे डालना पड़ता है ये, ऐसे आप लॉक कर दीजिए। और ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली बेल्ट के अंदर लगा रहते हैं, बेल्ट में ऐसे घुसा के ऐसा बेल्ट में लगा रहता है, तो इसीलिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसको थोड़ा आजमा के देखते हैं। केला का पत्ता तो ऐसे भी काट ही जाएगा, तो देखते हैं कि कितना आसानी से कटता है। बढ़िया है। तो इसको काटेंगे, इसको आजमा करके देख लिए हैं, बहुत ही बढ़िया है, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। और मेरा जब ज़रूरत पड़ेगा तभी ये यूज़ होगा, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होगा और जंगल में ही यूज़ होगा, बाकी ऐसे ही रास्ते में तो यूज़ नहीं होगा। नारियल वारियल काटने के लिए ठीक है, सही है। तो ये था अनबॉक्सिंग, तो कैसा लगा आप कॉमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, ये मेरी राम प्यारी चाकू जो है। तो चलिए दोस्तों आज तक इतना ही, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए और कुछ भी करिए। तो हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया था, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आयो होम, बाय बाय।